है तो मूवी का सब्जेक्ट भी सस्पेंस है और आज ट्रेलर लॉन्च है इस मूवी का, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मूवी में काम करके भी बहुत मज़ा आया है, बहुत बहुत मेहनत की है अजय सर ने, विक्रम ने, मैंने, सब पूरे स्टार कास्ट ने बहुत मेहनत की। तो किरदार क्या है और मतलब सस्पेंस है, किस तरह का सस्पेंस है, क्या मतलब पिच हूँ, क्या कहानी क्या है? देखिए सस्पेंस नाम है तो मैं सस्पेंस नहीं खोलूँगी, बिल्कुल नहीं खोलूँगी, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी सस्पेंस है मूवी का नाम, इसलिए हम लोग ने पूरी कोशिश की है, अजय सर ने, डायरेक्टर ने पूरी कोशिश की है कि उस सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर पाए। तो हाँ सस्पेंस नाम है तो पूरी मूवी सस्पेंस के बेसिस पे। आपके अलावा और कौन से किरदार नजर आएंगे, कोई नामी चेहरा, कोई मतलब ऐसा चेहरा है जो पहले से जाना पसंद चेहरा है? हाँ विक्रम शर्मा है, इन्होंने बहुत सीरियल किए हुए हैं, अंतरा बनर्जी है, वो अभी कसौटी जिंदगी 2 में आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग हैं नोन हैं। सर आप इसमें क्या करना चाहेंगे, मतलब टी वी शोज करने के बाद ये फिल्म कैसा हो रहा है? फिल्म मेरे हिसाब से ऐसा है कि टीवी शोज एक न्यूज़पेपर की तरह होते हैं और जो फिल्में होती हैं वो नॉवल की तरह होती हैं, वो हमेशा आप नहीं रहती हैं और डिफरेंट बहुत है इसमें, क्या आपको करेक्टर के लिए काफ़ी काम करने का मौका मिलता है। टीवी से जब काम करते हैं आप लोग तो आपको टाइम नहीं होता, आपके करेक्टर के लिए काम करने के ग्राफ बना दिया था पहले, क्रिएटिव्स बोल देते कि ऐसे काम करना है आपको, पर फिल्म के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है और इसमें मेरे काफ़ी शेड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि मूवी का नाम सस्पेंस है, तो सस्पेंस नहीं खोलना, बट काफ़ी शेड्स हैं और एज ए एक्टर जो किसी भी एक्टर की विश होती है कि मुझे इस तरह के रोल करना चाहिए, तो वैसे ही रोल मुझे करने को मौका मिला। और अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है स्टोरीज का, आजकल जो है स्टोरीज ही हीरो हैं, हीरोइन जो भी आप मान लीजिए, वट एवर जो मान लीजिए, सारी दामोदर के आपकी स्टोरीज के ऊपर है, स्टोरी आजकल बहुत अच्छी आ रही है और अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो कोई भी हो उसमें तो फिल्म नहीं चल पा रही, तो इसलिए इस फिल्म की जो जान है वो सस्पेंस है और टाइटल ही हमारा सस्पेंस है, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लोगों को कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो टीवी शोज और फिल्म के अलावा वेब सीरीज एक नया मीडियम आया है, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए कितना उत्साहित है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अब आजकल क्या है, अच्छी बात, बहुत अच्छा एक दौर आ गया है इंडस्ट्री में कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, आप वेब सीरीज कर सकते हैं, मूवीज़ काफ़ी बन रही है, सीरियल्स भी काफ़ी बने, काफ़ी चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, तो एक अच्छा अच्छा मतलब कहते हैं एक्ट्रेस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया अभी। और इसके अलावा कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या कोई कुछ? हाँ एक अभी आपके सामने एक चीज़ नई अभी खुलने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि धमाकेदार एक न्यूज़ आपको मिलेगी बहुत जल्द, और एक फिल्म है नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ, साउथ की दो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो साउथ में जैसे होता है कि यहाँ के अमूमन यहाँ के लड़कों को नेगेटिव ही लेते हैं, या तो ऐसे एक नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, और एज ए एक्टर मैंने अपने आप को बांधा नहीं है, अगर रोल अच्छा है तो कोई भी किरदार करने में लिए अच्छा है। थैंक यू। फिल्म की जो फर्स्ट मूवी है जैसे इसका नाम है सस्पेंस, तो नाम के हिसाब से सस्पेंस ही होगी, तो जहाँ तक स्टोरी का सवाल है स्टोरी सस्पेंस में है और सस्पेंस अगर आज अभी यहाँ खुल जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तरीके से समझाऊंगा कि कुछ लोग नए चेहरों को जो मौका देते हैं सामने दिया है, तो कितना ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है नए चेहरों को मौका देना? देखिए नए चेहरों को लेके चैलेंज तो होता है क्योंकि सब कुछ एक बंद किताब होती है, किसी को नहीं पता अंदर क्या है, इसमें एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं उनको तो सभी लोग जानते हैं कि कैसे हैं नहीं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है नए आर्टिस्ट को लेकर काम करने का, लेकिन आज की टाइम में अगर हम पिछली आज का जो सिनेरियो है अगर देखें तो पूरा चेंज हो गया है, वो ये नहीं है कि जो अगर बड़ा एक्टर है तो उसी की फिल्म चलेगी, उदाहरण के लिए बहुत सी फिल्में, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, और नए नए लोगों की फिल्में अच्छी चल जाती हैं, तो ये कहना कि नए लोगों को लेकर नहीं करना चाहिए, चैलेंज होता है, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी है, कहानी अच्छी है, तो नए के साथ भी मैं समझता हूँ कि अच्छी फिल्म बना सकते हैं, चलना ना चलना अपना लक और पब्लिक के ऊपर होता है कि पब्लिक को क्या पसंद आता है। और ये भी जानना चाहूँगा सर, सस्पेंस फिल्म की बात करें, इस तरह की जो सस्पेंस, तो दर्शक जब जाते हैं थिएटर में देखने के लिए तो उनका एक मानसिकता होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सेंसुअलिटी होगा, रोमांस होगा, मतलब आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिल्म चलाने के लिए फिल्म में सेक्स डालना चाहिए, जहाँ अगर आपकी कहानी अच्छी है और
बाकी चीज़ें फिल्में अच्छी हैं तो ज़रूरी नहीं सेक्स चले, और आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि सेक्स बेस्ड फिल्में चल रही हैं। काफ़ी फिल्में सेक्स बेस्ड आई जो नहीं चली, फ्लॉप हुई, तो कुछ फिल्में जो एक स्पेशल लेकिन जो सेक्स पे चली, कंट्रोवर्सी में भी रही चली, लेकिन नॉर्मली सेक्स पे फिल्में नहीं चलती आज के टाइम में। लास्ट ईयर पे जो आगे चले किस तरह के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहेंगे आप, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट रहेंगे या कोई डिफरेंट सब्जेक्ट? नहीं देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, मैं तो ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाता रहूँगा और कदम बढ़ाते हैं। आज चार फिल्में अगर मेरी चलती हैं तो मेरे नए एक्टर भी पुराने होते चले जाएंगे, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़े बड़े एक्टर्स को ही पकूँ। और जब तक मेरा नाम नहीं बनेगा, चार फिल्में हिट नहीं होंगी, तब तक कोई बड़ा आर्टिस्ट मेरे साथ काम नहीं करेगा। तो जो चीज़ मुझे हकीकत में पता है तो उसके लिए भाग कर भी क्या फ़ायदा है। तो इसलिए नए को लेके अच्छी फिल्में बनाओ, बजट भी कम हुआ तो थोड़े से बजट में ही फिल्म, अगर आज मेरी फिल्म 5 करोड़ का बिजनेस करती है तो सुपर हिट हो जाती है। यही फिल्म अगर मैं 25 करोड़ में बना के 20 करोड़ का, 25 करोड़ में 26 करोड़ का बिजनेस करूँगा तो एवरेज है। तो ये कहना, बाकी वक्त बताएगा कि क्या आगे होता है। संजय सोनी स्ट्रगलर, आई एम सिंगर संजय सोनी स्ट्रगलर। मैंने इस फिल्म के लिए प्रमोशनल सॉन्ग दिया है चढ़ गई, जो बहुत ब्लॉकबस्टर सॉन्ग होने वाला है, और जो गाना आप सुनोगे तो वाकई में आप सबको भी चढ़ जाएगी। ये हमारे को प्रोड्यूसर साहब है सरफराज खान साहब, जो इस फिल्म को प्रोड्यूस उन्होंने किया है, सस्पेंस को। गाना हमने उतनी शिद्दत से गाना किया है, म्यूज़िक पे हमने इतना वर्क किया है, 2.5 महीने तो हमें सिर्फ म्यूज़िक पे काम करने पे लग गया। उनके वीडियो शूट करने में जो अजय जी ने, सरफराज जी ने जो मेहनत की है इस फिल्म को एक नए मुकाम पे पहुंचाने की, और नाम भी उन्होंने जो रखा है सस्पेंस, तो आप सोच सकते हो कि सस्पेंस में हर चीज़ हमें सस्पेंस में ही रखनी पड़ेगी। उसके लिए सस्पेंस को क्लियर करने के लिए आपको सिनेमा हॉल पर जाना ही पड़ेगा। क्या गाने की लाइनें हैं, गुनगुनाएंगे थोड़ा? चढ़ गई आज मुझको चढ़ गई, आपको भी चढ़नी चाहिए। सर क्या उम्मीद है इस फिल्म से आपको, एज ए प्रोड्यूसर बात करें? बहुत मेहनत की फिल्म के पीछे और सुपर हिट है। और रिलीज की कहाँ तक के इसको रिलीज करने वाले हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया? यस, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। 700-800 थिएटर की बात चल रही है, उस पर कार्रवाई चालू है। अगली फिल्म में चांस मिल जाएगा। थैंक यू सर। मेरा नाम मधुमिता विश्वास है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ, और दिस इज़ माई डेब्यू मूवी। किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म की बात करें सस्पेंस में? सस्पेंस में मेरा किरदार विक्रम शर्मा की वाइफ का है, अनिंदिता का कैरेक्टर है मेरा, और सिंपल लविंग केयरिंग वाइफ का कैरेक्टर है। तो आपके किरदार की अगर बात करें, किरदार की अगर बात करें तो मेरा मूवी में नाम अनंदिता है, और ये विक्रम शर्मा जो एक्टर हैं उनकी वाइफ का कैरेक्टर है। मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल लविंग केयरिंग वाइफ का कैरेक्टर है। विक्रम शर्मा तो जो है, उसमें किस तरह की स्टोरी आपके साथ में, मतलब दोनों का किरदार किस तरह का है, जो विक्रम है और आपके किरदार को लेकर कैसे कैसा है? इक्वेशन कैसा है? इक्वेशन हम लोगों का बस वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ का इक्वेशन है। सस्पेंस की जो बात करें तो सस्पेंस है, तो मैं सस्पेंस बिल्कुल नहीं खोलूंगी क्या है मूवी में, बिल्कुल भी नहीं, सस्पेंस नाम ही है, तो वो आप लोगों को देखना होगा। इस फिल्म से आपकी शुरुआत है, क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत बहुत काम किया है सबने, बहुत काम किया। अजय सर को बहुत थैंक यू बोलूँगी मैं, जो हमारे मूवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कास्ट किया है, मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, तो उनको मैं बहुत बहुत सिंसियरली थैंकफुल बोलना चाहूँगी। और ये लाइक ड्रीम कम ट्रू है, मेरा डेब्यू मूवी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरा करियर। आई एम सो एक्साइटेड, सो हैप्पी, टुडे इज़ माय रियली ग्रेट डे। एंड मैंने अजय भाई के साथ ये मूवी किया एज अ पहला लीड, एंड रियली इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन माय लाइफ, बिकॉज यू नो ऑन द सेट वट एवर अजय भाई taught us at the time of shooting, so really we have done really very good experience with Ajay bhai, and main chahta hu dil se ki hum log public ka pyar mile aur media ka support mile aur aap sab log jaye movie dekhe aur aap hum sab ko aise pyar dete rahe taki hum log aapke samne isi tarah se bar bar aate rahe, to main chahta hu ki aap advance mein apni ticket book kare aur apna pyar dete rahe। meri haath jod ke aap sab se vinti hai ki jo kaam hum logo ne kiya hai aap usko sarahna dijiye। aapka naam? मेरा नाम है अश्वनी कुमार, और इस फिल्म में मैंने एक अभिषेक का रोल प्ले किया है, और ये एकदम पैरेलल लीड है, और कहानी बहुत अच्छी है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को पसंद आएगी,
और एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की है, देखते हैं कि ऑडियंस का क्या व्यू होता है। और एक फिल्म मेरी और अभी रिलीज़ होने वाली है जनवरी में, आशुतोष गवरेकर कैंप का फिल्म है अनवांटेड, उसमें भी मैंने लीड किया, नेगेटिव लीड किया, जो बहुत जल्दी आने वाली है। आशुतोष जी उस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम है। थैंक यू। मेरा नाम विक्रम मस्ताल है और मैं टीवी इंडस्ट्री में करीबन 4 साल से जुड़ा हूँ। मैंने रामायण सीरियल किया है, सरफरोश किया है, काफ़ी सीरियल्स किए हैं। सर, इस फिल्म में किस तरह किरदार है आपका? फिल्म का नाम सस्पेंस है, सस्पेंस ऊपर नहीं करूँगा, पर एक एज ए एक्टर, जिस भी एक्टर, हर एक्टर की एक जो चाह होती है कि मुझे एक डिफरेंट रोल मिले, वैसा रोल है। अजय ने काफ़ी अच्छा रोल दिया मुझे और सारे शेड्स हैं इसमें। हाँ, थोड़ा तो है, मतलब एक्शन है, मर्डर मिस्ट्री है, थोड़ा सा अच्छा है मसाला। और आजकल वैसे भी ट्रेंड स्टोरीज का हो गया है, तो स्टोरी काफ़ी अच्छी है और आजकल जो जनता जनार्दन है उसको स्टोरी बहुत अच्छी लगनी चाहिए, तभी वो लोग देखने जाते हैं। तो काफ़ी स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्ट। थोड़ा तो अनवील करना पड़ेगा आपको, कौन कौन आपके साथ और किस तरह का स्टोरी दी? मेरे साथ है अंतरा बनर्जी हैं, जो अभी सास शो कर रही हैं, मधुमिता विश्वास हैं, काफ़ी और एक्टर हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक्टर के लिए आप कभी उसको एक्शन भी करना पड़ता है, कभी कॉमेडी भी करनी पड़ती है, कभी सस्पेंस भी रहता है उसके लिए, सारे ड्रामे हैं इसमें, मज़ा आएगा लोगों को देखने के बाद। इससे पहले कौन सी मूवी अपनी रही है? इससे पहले मैंने कुछ वेब सीरीज की हैं, फर्स्ट मूवी है मेरी। एक्साइटमेंट भी है, नर्वस भी, मैं झूठ बोलूँगा कि नर्वस नहीं हूँ, मैं नर्वस बहुत हूँ और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो फिंगर क्रॉस के आगे क्या होता है, बट उम्मीद करता हूँ जनता को पसंद करवाएगी। थैंक यू।